हेलो डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम। आप सभी देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान डॉट कॉम और आज हम बात करेंगे एनडीए 1/2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो साल में दो बार होता है, अप्रैल और सितंबर के मंथ में। अब देखिए, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है अप्रैल का, वो होगा अप्रैल 22 या 23 को मे बी। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है प्रीवियस ईयर्स के जो स्टैट्स आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एनडीए का एग्ज़ाम है ये दो पार्ट्स में होता है आपका, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी का। तो इसमें मैथमेटिक्स का अलग इंक्लूड होता है, आपने मैथ्स में पास होना ज़रूरी है। नहीं पास बोला जाए तो 33% 300 नंबर का मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। और साथ में आप क्या लेके चलेंगे, देखिए 300 नंबर का एग्ज़ाम है कोई भी, तो आपने उसमें लगभग 33% पास होने के लिए आपको चाहिए, तो मिनिमम कम से कम यानी 100 नंबर चाहिए आपको। बट कभी कभी क्या होता है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाती है, जैसे 35 चली जाती है या 40 चली जाती है। 40 वैसे गई नहीं है, बट 33 से 35 होने में क्या दिक्कत है। तो आप ये सोचिए कि आपको 120 प्लस लेके आना है मैथ्स में हमेशा। और जहाँ तक बात आती है जीएटी की, उसमें क्या रहता है, आपने ईजिली हर सेक्शन में आपको 25% सेक्शनल लेके आने हैं। देखिए, हम थोड़े प्रीवियस ईयर के जो स्टैट्स आंकड़े हैं उन पर गौर फरमाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2018, जो 2018 का पहला था, इसमें एनडी की जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो गई थी 228 नंबर। देखिए 228 ये काफ़ी कम है 900 में से। आप खुद ही सोचिए, जो ये नंबर है मतलब 228 900 में से, ये इसके 33% भी नहीं हो रहे ओवरऑल, आप मान के चल सकते हैं। अब देखिए, आप पास नहीं हो रहे, लेकिन बट फिर भी आप एनडी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। आप ऑफिशियल जो कट ऑफ आई थी एनडीए की, आप उसमें फाइनल मेरिट देख सकते हैं। उसमें जो लड़के 228-229 वाले हैं, उन्होंने भी इजीली क्वालिफाई किया है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिटर्न एग्जामिनेशन 900 नंबर का होता है और 900 में से यहाँ पे देखिए एनडीए का 2018 का पहला है 228 गई थी। वैसे रहता क्या है, जो पहला एग्ज़ाम होता है कहा जाता है वो थोड़ा सा टफ रहता है और सेकेंड थोड़ा सा ईजी होता है। बट जो 2018 का एग्जाम था वो थोड़ा सा सेकंड में टफ पड़ गया था, तो उसमें थोड़ी सी कोई कहता है कट ऑफ ज़्यादा चले जाती है या फिर कट ऑफ कम चले जाती है। ये अगर टफ पड़ा तो जान के कट ऑफ ज़्यादा करते ताकि कि कम लड़के सेलेक्ट हों, क्योंकि इसमें तुक्के के चांस बहुत कम रहते हैं। देखिए सेकंड में कट ऑफ गई थी 232 900 में से। देखिए 900 में से 232 यार बहुत कम है, मान के चलिए सेक्शनल, और सेक्शनल कट ऑफ गई थी 25। सेक्शनल का मतलब क्या है कि आपने हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। सेक्शनल का मतलब यह है कि आपने 25% इंग्लिश में लाने जरूरी है, 25% आपको साइंस में लेके आने जरूरी है और 25% आपको जीएस में लाने जरूरी है। अब देखिए, कहीं ऐसा लोग ये पूछते हैं कि जीएस में हिस्ट्री में पास होना जरूरी है या फिर पॉलिटी में पास होना जरूरी है, इन सब में अलग से पास होना जरूरी है? नहीं, इन सब का जो जीएस का एक अलग पोर्टल बनता है, यानी 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 50 साइंस के और 50 इंग्लिश के। तो आप मान के चलिए आपने हर किसी में 25% आपने सही करना है, यानी नंबर आपने 25-30% लेके आना है। जैसे होते हैं 50 क्वेश्चन इंग्लिश में 200 में से, आपने 200 में से मिनिमम अगर आपको पास होना है 50-60 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी आपको कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं एक्यूरेसी के साथ। मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी, यहाँ पर बात आ रही है एक्यूरेसी की। अब देखिए, जो इस बार की 2019-1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के स्टैट्स के मुकाबले, ये रहेगी 230 से लेकर 240 के बीच में। देखिए, जो ये एग्ज़ाम है ये अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें रहता है क्या है, 230-240 का क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि पिछली बार की जो मैथ्स आई थी वो हार्ड थी। 2018 का जो सेकंड है ना, उसमें मैथ काफ़ी हार्ड आई हुई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये 2019 का जो पहला एग्ज़ाम होगा एनडीए का, इसमें मैथ इजी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या रहता है, साल में दो में से एक बार ऐसा होता है कि मैथ का पेपर इजी और जीएस हार्ड, मीन जीएटी हार्ड, फिर मैथ का हार्ड जीएटी इजी, इस तरीके के क्वेश्चंस में हो जाते, चेंजेस हो जाते। तो दोस्तों, ये थे एनडीए 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमसे अपडेट हो सकें। और देखिए, इसके बाद में अगर एनडीए के बाद आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी, तो आप नीचे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।